हटा दे मेरा म्यूजिक, एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक हमें देने की पूरी कोशिश। तैमूर का इंतजार कर रहे हैं, खाना खाने जाएंगे कहीं ना कहीं। गाने सुनता नहीं हूँ लेकिन लगा दिया, लगा दिया मैंने तुम्हारे। हम जाहिर है हम लोग तो दुखी गाने सुनने वाले हैं लेकिन मुझे वाकया याद आ गया हम लोग कोचिंग के बाद क्या किया करते थे। सुकून से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते थे, बिल्कुल लाइट म्यूजिक लगाया, कवालियां या कुछ भी ऐसा, और हम लोग आधा आधा घंटा गाड़ी में बैठ के सुनते रहते थे। ये तैमूर आया है, नहीं खोलूंगा नहीं मैं, खोलूंगा नहीं। तैमूर आया लेकिन हम गेट खोलेंगे नहीं उस तरफ से। ये अब ये थोड़ा फुटेज खाएगा। वालेकुम सलाम, ये हमारा दोस्त आ गया, बाल को सही कर लो। मुंह आ रहे हैं, हाँ सब जगह आ रहे हैं। कैप पहले दे, हाथ में रख के लेकर आया था। मैं भी कैप, नई कैप भी लेनी है जाने के लिए। तो हम सफर का आगाज करते हैं, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज हम फिर से आ गए हैं हुसैनाबाद। जैसा कि आपने सारी चीज़ें देख ली होंगी, आज हम हुसैनाबाद में मौजूद हैं और मेरे साथ सिर्फ मेरे साथ शाज़ेब और तैमूर हैं। ज़ीशान और बाकी सब तो आपको पता ही है गए हुए। मेरा कुछ डिले हो चुका है जाने का, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक जाऊँगा। तो तब तक जितनी वीडियोज़ आते रहेंगी वो देखते रहिएगा। तो अभी हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं, बढ़ते हैं हुसैनाबाद की तरफ। आपको यहाँ के सीन्स दिखाते हैं, क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे। तो जैकेट आज हमने की है चेंज। आप लोग कह रहे होंगे कि भाई हर वीडियो में एक ही जैकेट चल रही है और सर्दी जब से आई है एक ही जैकेट दिखा रहे हो भाई, जैकेट चेंज। आज हमने की है जैकेट चेंज और सर्दी के सीन्स कुछ कम है आज। सर्दी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू लास्ट टू डेज़। तो आज माइक भी रखा है, लास्ट टाइम जब हुसैनाबाद आए थे तो माइक नहीं रखा था हमने, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हो गई थी। तो आज माइक रखा है हमने, इंशाल्लाह आज माइक में रिकॉर्ड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या सीन है इसका? ये रोड बना है ना? हाँ, थोड़ा बहुत। ये नहीं लगी है, ये नहीं थी यार, बीच में पार्टीशन नहीं थी। पार्टीशन नहीं हुआ था। पार्टीशन हो गई है भाई, यहीं से तो गाड़ी घुमाई थी हमने रोड ब्लॉक करके। सब बता दो तुम, अभी तक याद है मुझे। आज हम लगानी पड़ी, आज हम फिर से पहुंचे हैं हुसैनाबाद। यार इतने कम टाइम में हमने अच्छे रोड पर, पहले मतलब जब ज़ीशान और मुनसिर नहीं रह रहे होते तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते लाजमी, वो आएंगे तो फिर इसके बारे में कभी डिस्कस और अच्छे तरीके से करेंगे। मैं उसका थोड़ा बहुत बता दूँ, तो पहले ज़ीशान और शाज़ीब जो मिले थे कोचिंग में, उसके बाद ज़ीशान के दोस्त थे और तैमूर, काफ़ी मिक्स करके हम पाँचों एक जगह मिले, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मिले। उसमें एक मुदस्सिर और तैमूर साहब ने हमारे कोचिंग के निकलवा भी दिया कोचिंग से। और ये कहानी थोड़ी लंबी है, कहानी बहुत लंबी है, कल फुर्सत से सुनाएंगे। इसी तक इंट्रो दे रहा हूँ कि हम लोग कैसे मिले। उसमें इन्होंने एक लड़के को बेचारे को निकलवा भी दिया, उसके बाद फिर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। माशाल्लाह इतनी अच्छी हो गई, तो तैमूर मेरे करीब ही रहते हैं, मैं इसको आसानी से मार सकता हूँ। गरीब से मुराद बता दो, बराबर वाली बिल्डिंग में रहते हैं, गरीब ही रहते हैं तो मतलब बराबर कमरे में रहते हैं, तो सब ऑलमोस्ट करीब ही रहते हैं। इतने कम वक्त में यार बहुत अच्छी मस्ती हो गई। तो अब निशान को वीडियो कॉल करते हैं, देखते हैं निशान क्या कर रहा है। वैसे शायद रस्ते में वीडियो कॉल ना उठा, अगर उठा दी तो मैं उससे बात करेंगे निशान और रसिद से। तो मुदस्सिर पता नहीं क्यों यार मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, मुदस्सिर बहुत ज़्यादा है, एक ही पता नहीं क्यों मुदस्सिर बहुत सलाम सलाम मुदस्सिर बहुत ज़्यादा तफरी करता है यार। हम सब में ज़्यादा तफरी वाला बड़ी है, लेकिन हम लोग जोक्स वगैरह मारते रहते हैं, लेकिन उसका जो एक वो है ना वाइब, उसकी वाइब थोड़ी अलग है, बहुत अलग सीन क्रिएट करता है वो ना। वाइब से तुम कुछ और नहीं निकलवा रहे। हाँ तो बहुत मिस कर रहे हैं हम निशान, तुम्हें मिस कर रहे हैं। आ जाएंगे ये लोग मंडे को, वापस आ जाएंगे तो वीडियो कॉल करके ट्राई करते हैं, वीडियो कॉल ये लोग रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे हमारी। ट्राई करो वीडियो कॉल।
कॉलिंग पे आ रहा है मेरा ख्याल रिंग नहीं कर रही बस के तो रिंग नहीं कर रही रिंग नहीं कर रहा बेकार है रिंग नहीं कर रही ना देखा पीछे करें और एडिटिंग बढ़ाओ और नंबर लाओ हाइड करने के लिए मुदस्से देख ले भाई मैं तुझे प्राप्ता करने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन तेरा नंबर नहीं लग रहा तेरी तस्वीर से काम चला रहा हूँ हम लोगों ने कॉल की लेकिन नहीं लगी खैर कोई नहीं बाद में बात शायद हो सकता है जाते तक हो जाए एडिट मुझे नज़र आ रहा है लेकिन मैंने तुम्हारी चैट देखी नहीं है तुमने पहले भी देखी है इसको तो हार्ट अटैक हो गया था इसको तो हार्ट अटैक हो गया था क्योंकि दोनों के पास एक ही फोन बोल दे बोल मेरा मसला नहीं है मसला नहीं है बोल दूँ पक्का तो यार माशाल्लाह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था तैमूर देख लीजिए एक बार क्या हुआ कि मैं हम लोग बैठे थे सब साथ हम लोग घर पे थे तो सब साथ ही बैठे थे अब सीन ये हुआ कि अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ तो मुझे लगा शायद मेरा मोबाइल है मैंने अचानक मोबाइल उठाया और उस पर वाईफाई लिखा अब मैं एक सिंगल इंसान मैंने अचानक वाईफाई देखा मैंने कहा ये कब हुआ मैंने एक बार मोबाइल वापस रखा फिर दोबारा उठा फिर जब मैंने मोबाइल पलटा ना मोबाइल थोड़ा फील हुआ कि यार ये मोबाइल चेंज है फिर मैंने कैमरे को दिया मैंने कहा यार ये तेरा मैसेज है मुझे ऐसा मैसेज नहीं आ सकता पाकिस्तान में जब ये चीज़ आपके टेबल पे आ जाए तो समझो खाना आने वाला है क्योंकि ये हमारा बिलव रायता जब आया ना टेबल पे तो खाना पहुँचने वाला होता है गुड यार तैमूर तो सही है तो खाना खा लिया अब हमने अब आइसक्रीम तो खा नहीं सकते जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था हुसैनाबाद वाले में कि जब भी मैं हुसैनाबाद आया हूँ आइसक्रीम ज़रूर खाई है मैंने लेकिन 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 हम चाय ज़रूर पी सकते हैं तो चाय पीने अब जाएंगे कूल ट्रांजेक्शन से इसको एंड करूँगा पहली बार कूल ट्रांजेक्शन तो अब हम ब्लॉग एंड करने आ गए हैं और कूल ट्रांजेक्शन के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी ये है कि भाई मैं सोच रहा हूँ शायद मैं अपना लैपटॉप साथ ले जाऊँ वीडियो एडिट करके वहाँ से अपलोड करने के लिए तो मैं पीसी पे अपलोड करता हूँ लैपटॉप और मोबाइल में वो मज़ा नहीं आता एडिटिंग के लिए तो देखो होप सो अब क्या होता है आज की रात काफ़ी अच्छी इन्जॉय की अब टाइम क्या हो रहा है 12 बज गया ना 11:30 हो रहे हैं सर्दी थोड़ी बहुत बड़ी है इतनी ज़्यादा नहीं कि मतलब आप जैकेट के बगैर भी निकल सकते हो 14 डिग्री है तैमूर के लिए नहीं है वो जैकेट पहने बाकी हम लोग जैकेट के बगैर हल्का फुल्का निकल के अपना एंजॉय कर सकते हैं तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक आप अपना ख्याल रखें अब हम मूँगफली और जो चाय है वो इन्जॉय करते हैं आप भी इन्जॉय करें फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज़